आयोजित प्रदर्शनी का आनंद उठाया है। प्रदर्शनी में 1980 दशक से निरंकारी मिशन में कृतियों को दिखाया गया, तो वहीं इस प्रदर्शनी के समापन पर मिशन में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें, शिविर में 300 से अधिक लोगों ने अपना रक्तदान किया। कंचन पठानी है। नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम दिया है ब्लड। मैं इसलिए देना चाहती थी ब्लड क्योंकि एक तो ब्लड से हम किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, और ब्लड इसलिए हम दोबारा इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का ब्लड रीन्यू हो जाता है और सर्कुलेशन जो है उसे दोबारा से रीन्यू हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी और परफेक्ट बनती है। इसलिए मैंने ब्लड सप्लाई किया है ताकि मैं किसी को दे सकूँ, किसी को नीड हो उसकी तो मैं उसे भी डोनेट कर सकूँ। और हमारा मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें हम ब्लड बहुत अच्छा डोनेट करते हैं। नीड हो किसी की तो हमारे मिशन में हम हमेशा कभी भी एनी टाइम इमरजेंसी टाइम कॉल करते हैं, तो वो हमेशा हमें ब्लड देते हैं कि हमें जरूरत है, हमारे किसी भी हमारे रिलेटिव्स फैमिली मेंबर फ्रेंड्स किसी को भी जरूरत है तो हम बोलते हैं वो हमें ब्लड देते हैं, फिर हम देते हैं। मेरी पूरी फैमिली ने ब्लड डोनेट किया, इसलिए मैं भी चाहती थी कि मैं ब्लड डोनेट कर सकूं। तो वही रुड़की में निजी कंपनियां मंडी शुल्क चोरी करने में जुटी है। ताजा मामला जबरेड़ा की एक ग्लास फैक्ट्री का है, जिससे मंगलोर मंडी समिति को 60 लाख से ज्यादा भी चपेट लगाई गई है। मामला सामने आने पर मंगलोर से लेकर देहरादून तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में मंगलोर मंडी समिति ने ग्लास फैक्ट्री को नोटिस देने के साथ साथ 60 लाख की आरसी भी जारी कर दी थी। हालांकि इस मामले में ग्लास फैक्ट्री के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मंडी समिति मंगलोर की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, तो वही पूरे मामले को गंभीर मानते हुए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने भी ग्लास फैक्ट्री के अधिकारियों को नोटिस दिया है। तो वहीं 2016 के अर्धकुंभ से पहले हरिद्वार की पवित्र हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती पर एक नए स्वरूप में दिखाई देंगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में घाटों की देखरेख करने वाली तीर्थ पुरोहितों की संस्था गंगा सभा की ने यह फैसला लिया है। गंगा सभा ने गंगा जी की आरती को अब 9 स्थानों पर करने का फैसला लिया है। दरअसल गंगा आरती इससे पहले केवल 4 जगह पर की जाती थी।
तो वहीं रुड़की अस्पताल में पहुंचे जिला प्रशासन की बैठक में उस समय हड़कंप मच गया जब लापता वार्ड के परिजन रोते बिलखते हुए मीटिंग हॉल में पहुंचे थे। हालांकि शहर विधायक प्रदीप बत्रा ने घुसाए परिजनों को शांत कराने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और प्रशासन के सामने ही वार्ड की पत्नी और बेटी फूट फूट कर रोने लगी कि डीएम हरवंश सिंह चुग ने पूरे मामले से एसएसपी को अवगत भी कराया। दरअसल सिविल हॉस्पिटल रुड़की का वार्ड बॉय शंकर बीती 9 दिसंबर से लापता है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो पाई है। रुड़की का जो गोरखा समाज के अध्यक्ष बुद्धि सिंह राणा मेरा नाम है और मैं जो पूरे रुड़की का जो गोरखा समाज का प्रतिनिधि करता रहता हूँ। मेरे को जैसे ही पता लगा कि 9 तारीख की रात को 8 बजे करीब जो है इसी कंपास में इनका घर इधर ही है, घर में जा रहे थे या क्या हुआ था किसी को पता नहीं, 8 बजे करीब ये कंपास से आउट हो गए थे। 10 तारीख को अस्पताल वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 11 तारीख को फिर मैं जब आया इनके फिर अफसरों से बातचीत करने के बाद में तभी उन्होंने लेटर लिखा, हमने तहरीर दी, उन्होंने लेटर लिखा। लेटर लिखने के 12:30 बजे 1 बजे जाके गंग नहर थाने में, उसके बाद से लेकर आज तक वो टेलीफोन नंबर जो उनके थे वो ट्रेसे आउट ही हो रहे। अभी तक न मुजरिम की तरफ कोई दौड़ा है, न कहीं से कोई दौड़ा, कोई साधुजनक जवाब नहीं मिल रहा। उनके बच्चे रो रो के बुरा हाल है, हम उनको समझा रहे हैं पर आज माननीय जो डीएम साहब यहाँ पर आए तो बच्चे कूद करके उनके पास आने लगे, हम भी मजबूर हो गए, हम क्या कर सकते थे, वो लेकर के आए। अभी तक कोई ना शासन ना प्रशासन कोई शुद्धि बुद्धि नहीं ले रहा है इनकी किसी प्रकार से, ये बहुत मुश्किल है। हम गोरखा समाज ये आह्वान करना चाहते हैं कि हमें मजबूर मत करो कि फिर हम कोई जो ना ऐसा गलत उपद्रव करें या कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे मतलब शासन प्रशासन और जनता मतलब दुखी हो। एक्चुअली ये संयुक्त चिकित्सालय है रुड़की का, इस पर प्रबंध समिति की बैठक होती है, प्रबंध समिति की बैठक थी। सर अभी कुछ लोग आपके पास, कुछ महिलाएं रोते हुए आई हैं, क्या उनका क्या मामला सामने आया है सर? एक अभी 2 महिलाएं आई थी, उनका पति जो है वो इसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के रूप में काम करता था। उनका क्या हरिद्वार पंचायत चुनाव में सरकार के, आपको बता दे, नुमाइदी आचार संहिता के जमकर धज्जे उड़ा रहे हैं। ताजा मामला झबरेड़ा का है जहां बीएसपी के निशासित विधायक हरिदास ने बारबलाओं से महफिल को सजा दिया है। दरअसल बीएसपी नेता ने अपने आवास पर आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में डांस कराया। इतना ही नहीं, इनके ऊपर पैसे भी उड़ाए गए। दरअसल इस कार्यक्रम में सूबे के सीएम हरीश रावत को पहुंचाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते लोगों को कई इंतजार करना पड़ा। तो वहीं भीड़ जुटाने के लिए नेताजी ने बार बालाओं का सहारा लेना ही मुसाबिस समझा। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। के नवा कमाल सुनोर भाई हमर हाथ, देश में बन गए नंबर 1 पीडीएस में करें कमाल, खाद्य सुरक्षा लागू करके सस्ता देथन चावल दाल, 24 घंटा बिजली बरत है तार के देखो बिछ गए जाल, पंप चलत है